नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू आवर चैनल। कल केसरिया महापंचायत होने वाली है जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में, और उससे पहले ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी कल विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की, और साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक होगी, और कल नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। कल राजपूत समाज केसरिया पंचायत के रूप में बड़ी शक्ति प्रदर्शन को अंजाम देगा, और कल इसी के फलस्वरूप हो सकता है एक बहुत बड़ी खबर सुनने को मिल जाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जो कि नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे काबिल भी हैं, और कहा जा रहा है कि कल उनके नाम का ऐलान हो सकता है, नाम पे सहमति बन गई है संगठनात्मक रूप से। और ये खबर जिस तरीके से केसरिया महापंचायत कहीं ना कहीं राजपूतों की जिस तरीके से कल एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में, उससे पहले ही राजपूतों को साधने कोशिश है, वो कल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होगा, और शायद हो सकता है कि ऐसे ही किसी जो आप मान सकते हैं बड़े इवेंट के लिए रुका जा रहा हो कि कोई इस तरीके से बड़ी पंचायत हो या बड़ी मीटिंग हो, उसमें फिर ये ऐलान किया जाए तो कहीं ना कहीं मैसेज जाए और बीजेपी का इम्पैक्ट उस पर जाए, और जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं कोर वोट बैंक माना जाता है। तो ये जो ऐलान होगा इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और कहीं ना कहीं गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे काबिल उम्मीदवार के रूप में उनका नाम सामने आ रहा था, हो सकता है कि पुष्पेंद्र सिंह राणा वक्त जिनका भी नाम सामने आ रहा था, और भी कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अभी तक की जो खबर सामने आ रही है और जिस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं सोर्सेज के थ्रू, और कहा यह जा रहा है कि जो नाम है वो राजेंद्र राठौड़ ही होंगे नेता प्रतिपक्ष के लिए, तो अब देखना होगा कि कल क्या फैसला आता है बीजेपी की तरफ से। जो विधायक दल की बैठक है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें क्या क्या नए डिसीजन लिए जाते हैं, और क्या नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कल हो पाएगा। बाकी की न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।